जल जीवन मिशन के तहत स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने का पानी और मिड डे मील बनाने और हाथ धोने, शौचालय में इस्तेमाल के लिए जल आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से करोड़ों की लागत का कार्य गुजरात के एलएल कंस्ट्रक्शंस द्वारा किया जा रहा है। उक्त कार्य की गुणवत्ता की बात की जाए तो अभी से ही इस कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायतें सामने आने लगी है। ताज़ा मामला झाबुआ जिले के मेघनगर ब्लॉक का है, जहाँ ठेकेदार द्वारा कई स्कूलों में तू चल में आया की तर्ज पर घटिया सामग्री का उपयोग कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ठेकेदार द्वारा किस प्रकार घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। यहां पर ये तस्वीरें सच खुद बयां कर रही है, जबकि ठेकेदार को उक्त कार्य करने के लिए जो टेंडर PHI विभाग की माध्यम से हुआ है तथा जो नियम व शर्त इसमें दर्शाई गई है उनका भी खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और अधिकारी है कि कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। वो फिफड़ा लग गया, वो भी जाएगा तो मन खपर नहीं मारे अलग गाड़ी गया खरा इनमें कोई सिपट नहीं मिली इनमें तो कहाँ रह जाए तो उड़ी जाएगा नहीं उड़ी जाए उड़ी जाए और टंकी बनी है ना उसमें टंकी आंधी तूफान आए कुछ भी आए तो उसमें हवा से उड़ जाए तो इसको सपोर्ट लगाना जरूरी है। नल बराबर फिट नहीं किया और इधर भी हैंडपम्प में भी बराबर फिट नहीं हुआ, वहाँ पे भी पानी का लीकेज से और ये नल भी बराबर फिट नहीं है, नल भी दोबारा बढ़िया फिट करे वो जिन्हें जोट में निकल रहे पानी और नीचे का नल भी खुल के दो निकली है सब बात है। सरकार का रुपया तो खर्च किया उपयोग में आ रहे नकली निकल दिया सही निकल मार साहब ने भी वो किया था कि भाई वो इनको ढूंढा भी सही कि अभी भी सही कर देगा ये और फिर उसी समय में वो नहीं मिला ठेकेदार कोई ठेकेदार ला करके टंकियां और ये सब जो है वो फिट करवा रहा है स्कूल पर आंगनवाड़ी बिल्डिंग वो हमारे क्षेत्र का मामला है जो जिस तरीके से मतलब स्वीकृति में लिया है और उस तरीके की अगर सामग्री नहीं लगी तो उसके पीछे आवाज उठाई जाएगी और उसके लिए जांच करके उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे जो भी करना पड़ेगा जो भी अधिकारी है ऊपर के उनसे बात करके उसको सही तरीके से अगर नहीं उसको किया काम तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं।